कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री महाभक्ति वेदांत सदा वामन ऋषि महाराज एवं शिक्षा गुरु सन्नास गुरु नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री महाभक्ति वेदांत श्रीनारायण ऋषि महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री महाभक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान समस्त सन्यासीवृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद सभीों के चरण कमलों में मेरा यथाथा दंडव प्रणाम स्वीकार है। आज जिस पावन बेला पर तिथि पर आप लोग उपस्थित हुए हैं, विशेष करके कार्तिक महीने नियम सेवा मास की प्रथम दिवस है और हमारे नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के आज तिरुभाव तिथि हम लोग मना रहे हैं। जो विरह तिथि हम मना रहे हैं उनकी जीवन चरित कथा विभिन्न वैष्णव एवं वक्ताओं के विकार से श्रवण कर रहे हैं। विरह भी मने विशेष, रह मने मिलन, विशेष मिलन ही जिसको कहा जाता है विरह तिथि कहा जाता है, क्योंकि उनकी जीवन चरित कथा हम बार बार स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर प्राण, वैष्णव के जीवन चरित कथा श्रवण करने से माया से हम रक्षा पा सकते हैं। इसलिए उनकी जीवन चरित कथा संग सुलभ गुरुदेव सुलभ नारायण गोस्वामी महाराज बार बार कीर्तन करते थे। श्रील गुरुदेव जब जब अपने गुरुदेव के महिमा कीर्तन करते थे तब रो पड़ते थे। ये मथुरा में जो हम रहते थे विशेष करके इसी दिन में इस विरह तिथि में प्रातः काल में श्रील गुरुदेव जब आकर के प्रवचन बैठते थे और इतने रोते थे अपने गुरुदेव के लिए, वो स्मरण आ जाता है। क्योंकि गुरु निष्ठा गुरु भक्ति तब परिचय हो जाता है गुरुदेव जब अंतर्ध्यान हो जाता है। गुरुदेव जब इस संसार में रहते हैं तो बहुत कम लोग गुरु की महिमा गुरु की आदर्श गुरु की विचार समझ पाते हैं, सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। श्री गुरुदेव कहते थे कि मेरे गुरुदेव कितने महान थे तथा भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कैसे उन्नत और उत्तम उत्तम महाभागवत थे, जिन्होंने पूर्व बंगाल में अर्थात बांग्लादेश में बनारीपाड़ा में उन्होंने प्रकट हुए थे और फिर उन्होंने विद्या अभ्यास भी किया, यूनिवर्सिटी दौलतपुर कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और वहीं पर पढ़ाई करने लगे। उस दौलतपुर कॉलेज में उस समय चैतन्य चरितामृत पढ़ाया जाता था। उस चैतन्य चरितामृत में विशेष करके ये एक प्यार आ गया है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास और कृष्ण तत्शक्ति भेदाभेद प्रकाश। इस प्यार को लेकर के श्लोक विनोद बिहारी ब्रह्मचारी सारे कॉलेज में एक हड़कंप मचा दी, क्योंकि उस कॉलेज में जितने प्रोफेसर थे सब अद्वैतवादी मायावादी थे। मायावादी के विचार है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ही पर न परह, ब्रह्म एक ही मात्र सत्य वस्तु है, जीव नाम से कोई वस्तु नहीं है। यही ब्रह्म माया के द्वारा आच्छादित होकर के अपने को जीव कहते हैं। इस जगत में जो कुछ भी देख रहे हैं सब क्या है, झूठा है मिथ्या है। विनोद बिहारी ब्रह्मचारी
यही चैतन्य चरितामृत के प्यार बंगला प्यार को प्रभिसार के निकट बताने लगे। ये आप लोग कहते हैं ये ब्रह्म के शक्ति नहीं है, यदि ब्रह्म के शक्ति नहीं है चैतन्य चैतामृत में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास और कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद और अभेद प्रकाश, तो दैट मीन्स कृष्ण के शक्ति है चित्त शक्ति जीव शक्ति और माया शक्ति। यदि जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास और उनके तर्श शक्ति, ये शक्ति कहां से आ रही, शक्ति किसका जी, ब्रह्म की शक्ति नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी लोग कहते हैं ब्रह्म जो निर्विकार निर्विशेष, ब्रह्म की कोई शक्ति नहीं है, तो यहां पर ऐसे कैसे स्थापना करेंगे। देखो इसी पार के लेकर के सारे कॉलेज के जितने भी प्रोफेसर थे वास्तव रूप में विचार करने लगे, किसी प्रोफेसर ने ठीक से उत्तर दे नहीं पाया। उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी तो मायापुर में आए और मायापुर में आकर के नित्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के निकट यह विचार रखा है और शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद इस विचार को अत्यंत सुंदर सरल रूप में उन्होंने बताया। ये देखो विश्व शक्ति परापक्ता क्षेत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संगना तृतीय शक्तिरिष्यते, यह पर स्पष्टीकरण है विश्व पुराण में और पुराण में हजारों श्लोक उदाहरण देकर के देखो कि स्पष्टीकरण कर दिया, ये भगवान के विष्णु के अनंत शक्ति है। जो लोग कहते हैं ये ब्रह्म के शक्ति नहीं है व कृष्ण की शक्ति नहीं है, उसी के कहा जाता है अद्वैतवादी मायावादी विचार कहा जाता है। इसलिए श्लोक उस समय विनोद बिहारी ब्रह्मचारी स्कूल के पढ़ाई वहीं पर छोड़ करके और शिला नित्य लभ्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के चरण में अपने को समर्पित किया और वहीं पर सारे शास्त्र अध्ययन भी किया, शास्त्रीय सिद्धांत में सुनिपुण हुए, गुरु कृपा प्राप्ति करने। इसलिए भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा ये परिचय दिया, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापित जैन भूतले स्वयं केशव मन कदा मध्यम ददाति सबदांतिकम, ये जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर महाप्रभु के रूप गोस्वामी पाद के वर्णना कर रहे हैं, श्री चैतन्य मनाविष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदा मध्यम ददाति सबदांतिकम, श्री रूप यहाँ पर केशव गोस्वामी शब्द के लिख करके हमारे गुरु वर्ग से कहते हैं जो वास्तव रूप में श्री केशव गोस्वामी महाराज यानी विनोद बिहारी ब्रह्मचारी अपने गुरुपाद की समस्त प्रकार के मनोभिष्ट विजय पूरा किया। जैसे आदि जिससे ऐसे प्रभुपाद कैसे सेवा आदि की, उनके सेवा प्रचेष्टा आदि देख करके संग प्रभुपाद उनकी टाइटल दिया कृति रत्न टाइटल दिया और उनके गुरु भाई भी यह टाइटल दिया आचार्य केसरी यह टाइटल दिया और एक टाइटल पाषंड गजई को सिंह। भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी के नाम सुनते ही जितने मायावादी लोग यहाँ तक भी बाबाजी संप्रदाय भी डरते थे, ऐसे उन्हें शब्द आदि व्यवहार करते थे जिस करके उनकी लेख आदि ऐसे पढ़ने से स्पष्टीकरण हो जाता है कैसे वो आचार्य किसको कहते हैं, आचार्य की वैशिष्ट उन्होंने दिखाया है। ऐसे लेख लिखते थे रावण ने क्या बोले सावरी साला भीते गलत बांग्ला प्यार है, ये बांग्ला शब्द है किंतु अत्यंत ऊपर से ऐसे लगता है बहुत गाली दे रहे हैं, सावरी साला भीते गलत सावरी प्रपन्न आश्रम और उनके जो विचार को जो है उन्होंने ये समस्त करते थे खंडन करते थे रावणेर सीता हरण केवल सहजिया जो है उनके जो है एक किताब है उसमें सीतानाथ उसमें और उनके प्रति भी विरोध करते थे। ये लोगों ने सभी मिल करके श्री परम गुरु महाराज के विरुद्ध में वो केट कोष बोले
मानहानि केस किया था। देखो इस केस को लेकर के उनके ही वकील कहने लगे, ये देखो आप लोग केशव महाराज के विरुद्ध में जो केस दाखिल करने जा रहे हैं, किंतु ये अब जानते नहीं है, बंगला प्यार में कहते हैं केचो खुरते सांप आ जाएगा, मान केचो समझते हैं जो केचुआ जो है, केचुआ खोजने के लिए मट्टी खोजते हैं और वो माटी में सांप निकल करके आ जाएगा। तात्पर्य क्या है, बोले केशव गोस्वामी महाराज के विरुद्ध में आप लोग जो मानहानि केस कर रहे हैं किंतु ये उल्टा आप लोग के निकट आ जाएगा ऐसे ऐसे, तो फिर वो लोग ने केस वापिस लिया। उसी प्रकार श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जब एक ग्रंथ लिखा, ग्रंथ पंचकम, बाबाजी संप्रदाय लोग ये सन्यास के विरुद्ध में उन्होंने लिखा, यहीं तक भी लाल कपड़ा आदि के विरुद्ध में ये सब अनेक कुछ लिखा था। श्रील गुरुदेव श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एक ग्रंथ प्रकाशित किया, उस ग्रंथ के नाम था ग्रंथ पंचकम। उसमें ग्रंथ पंचकम में श्रील गुरुदेव इसके डायरेक्ट गुरुदेव जो है एक एक लोगों के नाम लेकर के भी उसमें लिखा, एक पंपलेट निकाला था, छोटा सा एक ग्रंथ निकाला था। हाँ हमारे याद है गुरुदेव जब मथुरा में थे उस ग्रंथ के लेकर के बोले जाओ सब लोग तो प्रचार करो, और यहाँ तो भी जहाँ जहाँ बाबा जी संप्रदाय वृंदावन में राधा कुंड में और सब उसी के ग्रंथों को भी इस ग्रंथ के पढ़ करके सभी वृंदावन के जितने भी बड़े बड़े उनके जो लोग थे सब एक महीने तक श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के विरुद्ध में कोर्ट केस करने के लिए विचार करने लगे। किंतु देखो एक महीने सभी कहते हैं भाई देखो ये कोर्ट केस जब करोगे, उस समय गुरुदेव के जो है एक शिष्य थे जो मथुरा कोर्ट में जो है वो जज थे, वो मेरा याद है वो जज थे, बोले धीरज चक्रधर यही फाइल तो उनके पास जाएगा। और एक गुरुदेव के एक शिष्य थे और सुदाम सिंह वो थे एसपी थे उस समय इधर के मथुरा के जो है, बोले देखो नारायण महाराज के विरुद्ध में जब तुम लोग केस करोगे पहले तो आपके इसके पास जाएगा तो आप क्या करोगे, बोले एक महीने तक वो लोग कुछ केस करना तो कुछ कर नहीं पाया। बोले जिसको जिसको कहा जाता है बंगला शब्द में कहता है बिड़ालेर गलाय घंटा बांधवे के, तात्पर्य यह है कुछ गृह में घर में कुछ चूहा जो है रहने लगे। गृहस्वामी क्या किया, एक बिल्ली रख दिया और चूहा सब डर से गट्टे में घुस गया। अखन चूहा अभी विचार करने लगे हम यहां भोजन कहां से करें, बोले देखे एक काम करे ये चूहे के बिल्ली के गले में एक घंटा बांध दिया जाए, बिल्ली के गले में घंटा बांध देने से बिल्ली जब आएगा उसके गले के घंटा जिन 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 कर शब्द होगा तब हम लोग सब छुप जाएंगे। किंतु कहने लगे अच्छा बिल्ली के एक गले में घंटा कौन बंधेगा, जो जाएगा उसके ही बिल्ली क्या करेंगे खा लेंगे। तात्पर्य यही है श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज के मानहानि जो केस करने के लिए तुम लोग जाओगे और कौन जाएगा। आज तक भी श्रील गुरुदेव के विरुद्ध में एक भी शब्द नहीं लिखा है, जितने बड़े बड़े से संप्रदाय गुरुदेव बिल्कुल उनके नाम लेकर के ग्रंथ आज तक वो ग्रंथ वो भी है गुरुदेव की ऐसी महिमा कहते, इसलिए कहते हैं जे गुरु के शिष्य हम कैसे समझेंगे, बोले गुरु की देख करके गुरु कैसे है जैसे गुरु ऐसे, इसलिए कहते हैं आचार्य केसरी। और देखो सिर्फ आचार्य केसरी सिर्फ परम गुरु महाराज और अपने प्रभुपाद के चरण में कैसे समर्पित आत्मा थे हम श्री गुरुदेव के मुखारविंद श्रवण किया, जब जब श्री गुरुदेव सिर्फ भक्ति प्रधान केशव गोस्वामी महाराज मायापुर में प्रभुपाद की समाधि स्थल पर जाते थे उस समय उन्होंने एक शब्द बोल नहीं पाते थे, प्रभु पा शब्द कहने के साथ ही साथ उनकी थ्रोट गला चुप हो जाता था स्तब्धिमुद हो जाता था और आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होते थे।
प्रभुपाद की बारे में एक शब्द भी बोल नहीं पाते थे। और उस समय श्री भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री वामन गोस्वामी महाराज, श्री त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज की उंगली दिख पड़े, तुम लोग कुछ बोलो। ऐसे प्रभु, ऐसे गुरु के प्रति ये निष्ठा, क्योंकि गुरु निष्ठा गुरु भक्ति ही हमारे भजन की रीढ़ कहा जाता है। हजारों हम भजन करें, जितना भी वक्ता भी बोले, लोके रिझाए दे, किंतु गुरुपाद यदि निष्ठा नहीं रहे, वो जीवन में कभी परमार्थिक राज्य में आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है गुरुपाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार कालित सही धरे महाशक्ति। इसलिए आचार्य केशवी पाद के आज जो विरह तिथि मना रहे हैं, उनके जो आचार्य के वैशिष्ट, उन्होंने जो विग्रह आदि प्रतिष्ठा आदि किया है, जिसमें जो है उस समय केवल गौड़ीय मठ में केवल श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यही जो है श्री विग्रह जो प्रकाशित किया, विशेष करके जो है कृष्ण, जो है कृष्ण वर्ण प्रकाश नहीं किया, उन्होंने क्या प्रकट किया, श्वेत वर्ण, कृष्ण श्वेत वर्ण कृष्ण प्रकाश प्रकटित किया। उनके गुरु भाई लोग कहने लगे ये केशवदा, सभी लोग उनके केशवदा कह के पुकारते थे, इतने आदर स्नेह कैसे, ये आपके पैसा थोड़ी कम है, क्योंकि काले वर्ण की कृष्ण विग्रह प्रकाश करने के लिए पैसा ज्यादा खर्च होता है, इसलिए आप सफेद वर्ण की कृष्ण के प्रकट किया। ये सफेद वर्ण कृष्ण कैसे हुआ, देखो श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वराह पुराण आदि से श्लोक देकर के बताया, ये कृष्ण जब राज से राधारानी जब राज से कृष्ण जब राधारानी जब राज से चले गए, और राधारानी के विरह, राधारानी के विरह में यही कृष्ण इमली तला में यहाँ पर आकर के राधा जी के चिंतन करते करते ये श्वेत वर्ण हो गए, जिससे कि उन्होंने विनोद बिहारी अष्टकम में जो स्पष्टीकरण करके लिखा, राधा चिंता निवेशन जस्य कंति विलोरपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। दो अर्थ होता है राधा लिंगितम और राधा आलिंगितम विग्रह, जिस स्वयं कृष्ण की, स्वयं कृष्ण राधा जी के चिंतन करते करते सफेद वर्ण हो गया। अथवा कहा जाता है ये स्वयं कृष्ण के सारे अंग में ही श्रीमती राधिका ढक दिया है, इसलिए कहते हैं राधा चिंता निवेशन जस्यतंती विलोरपिता श्री कृष्ण चरणं वंदे राधा लिंगित विग्रहम। गौड़ीय मठ के विशेष वैशिष्ट्य श्री केशव गोस्वामी महाराज बोलते थे, गुरुदेव ये बात बताते थे, ये कृष्ण राधा के विरह में तड़पते रहे। हम लोग ज्यादा लोग क्या कहते हैं, जब कृष्ण राधा जी कृष्ण के विरह में तड़प है, जैसे भ्रमर गीत में राधा जी कृष्ण विरह में तड़प रही है, किंतु गौड़ीय वैष्णव के लोग कहते हैं नहीं, जब कृष्ण राधा जी के विरह में तड़पते रहे हैं, तो वही देखना चाहते हैं। तो हम इसलिए गौड़ीय वैष्णव के लोग नहीं कहते हैं राधे, क्या बोलते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, ये हम लोग नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं, ये श्याम श्याम राधे मिला दो, राधा जी के चरण में हम समर्पित करें, राधा जी की वैशिष्ट, राधा जी की सबसे वैशिष्ट है। यहाँ पर आपातः दृष्टि में, लोग दृष्टि में देखा जाए जे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद जितने भी विग्रह, कृष्ण विग्रह प्रतिष्ठा की, सब जगह में जो है कृष्ण के कृष्ण वर्ण विग्रह प्रतिष्ठा किया, किंतु श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी श्वेत विग्रह, कृष्ण के श्वेत विग्रह प्रतिष्ठा किया। इसलिए आपात दृष्टि में, लोक दृष्टि में देखा जाए ये गुरु के कुछ विरोध है, दिखा रहे हैं, विरोधाभास हो रहे हैं, किंतु विरोधाभास नहीं है, शास्त्र युक्ति आज उन्होंने दिखाया। और उन्होंने ऐसे ऐसे सुंदर आचार्य की जो वैशिष्ट मंगल आरती, ये कितने सुंदर, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल पीड़ित निशांत लीला, कितने सुंदर रूप में उन्होंने वर्णन किया। श्री गुरुदेव कहते थे मेरे गुरुदेव एक तरफ तात्विक भी थे और एक ही तरफ और फिर रसिक थे, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ और
श्री कृष्णदास कविराज जी के ग्रंथ ये समस्त ग्रंथ के मंथन करके इन्होंने सुंदर जो मंगल आरती और तुलसी परिक्रमा आदि इतने सुंदर ग्रंथ आदि ये समस्त प्रचार आदि किया। इसलिए आज विशेष जो तिथि जो है हम परम गुरु महाराज के चरण में पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। ऐसे आजाद जो केशरी और श्री गुरुदेव की ये समस्त विचार हमारे हृदय में प्रकटित हो। वंशा गुरु कृपा पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो एक तारीख से नवंबर एक तारीख से परिक्रमा शुरू होगी इंटरनेशनल भोले वेदांत ट्रस्ट की गोवा से।